जय हिंद। आज पूरा भारत 72वां इंडिपेंडेंस डे मना रहा है। भारत को आज़ाद हुए आज 72 साल हो चुके हैं। कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले में तिरंगा झंडा फहराया। नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से ये कहा, जिस तरह से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, खास करके भारत, जहां पर पहले देशों में नहीं गिना जाता था, आज भारत के लोग और भारत इतने गर्व के साथ हर एक देश के अंदर उसकी बात होती है, ये सब लोग जानते हैं। साथ में नरेंद्र मोदी जी ने ये भी कहा कि आज भारत की हमने वो इमेज बनाई है जो पूरे राष्ट्र में जो है एक यूनिक इमेज बनी है। और भी काफ़ी सारी बातें की नरेंद्र मोदी जी ने। जो 72वां इंडिपेंडेंस डे हम मना रहे हैं, क्या हम सच्चे शब्दों में इस आज़ादी का मतलब जानते हैं? क्या हम उस आज़ादी के साथ उस तरह से जी रहे हैं? देखिए, आज़ाद तो देश हो गया, देश को जो है अंग्रेज़ों से आज़ादी तो मिलवा दी, जो कि काफ़ी सारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने स्ट्रगल की, लेकिन क्या आज हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं? या जिस तरह से उन्होंने हम लोगों को आज़ाद करवाया, क्या आज हम उनकी कदर करते हैं? कई बार कुछ स्टेट से ऐसी आवाज़ें आती हैं, चाहे हम कश्मीर ही ले लें, कभी सिक्योरिटी फोर्सेस की इंसल्ट करते हैं, कई बार वहाँ पर तिरंगे झंडे की इंसल्ट की जाती है, कई बार वहाँ पर भारत के ख़िलाफ़ बातें की जाती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अंदर कई बार इस तरह की आवाज़ें उठती हैं जिससे पूरे देश को शर्मसार होना पड़ता है। आज़ाद तो देश हो गया, लेकिन आज भी कई सारे हमारे ऐसे स्कूल्स हैं, ऐसे बच्चे हैं जो आज भी गरीबी रेखा से नीचे हैं। काफ़ी सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो स्लम एरियाज़ हैं, जिस तरह से ये सभी बच्चे मेरे साथ जो बैठे हैं आप देख सकते हैं, ये सभी बच्चे जो हैं इनके माँ बाप कोई भी छोटा मोटा काम करके, छोटी मोटी दिहाड़ी लगा के जो है अपना पेट पालते हैं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे क्योंकि इतने पैसे ही वो कमाते नहीं हैं कि वो बच्चों को पढ़ा पाएँ। कोशिश रहती है कुछ सिविल सोसाइटीज़ की, कुछ लोगों की, कि वो इन बच्चों को पढ़ाएं। ठीक यही काम कर रहे हैं कुछ इस तरह के ही लोग जो आज खास करके 15 अगस्त पे, जिन लोगों का हम नाम लें तो बड़े ही आदर के साथ हम नाम लेंगे, क्योंकि 15 अगस्त एक दिन सिर्फ उनके लिए ही नहीं है, जो लोग इस देश में बड़े बड़े काम कर रहे हैं, इस देश में ऐसे लोग भी हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं जो कभी भी बाहर ना मीडिया बताता है ना अखबारें बता पाती हैं, लेकिन उनका काम इतना ज़्यादा है सिविल सोसाइटीज़ के लिए जो आपके सामने हैं। ये वो बच्चे हैं जो स्लम्स में रहते हैं, और इन बच्चों को पढ़ाने का भी बीड़ा उठाया है कंचन जी ने, उनसे बात करेंगे। मैडम, आज 15 अगस्त भी है, आपने ऑलरेडी इतना अच्छा काम करते हैं इन बच्चों को पढ़ाने का, क्या आपका मैसेज रहेगा 15 अगस्त के दिन? मैं तो ये मैसेज देना चाहती हूँ कि कल की बात है, परसों जब हम बच्चों को पिकनिक लेके गए थे एनवायरनमेंट पार्क में, तो रास्ते में कुछ छोटी छोटी सी गर्ल्स, हार्डली 8-9 साल की एज रही होगी उनकी, वो फ्लैग्स बेच रहे थे। और लास्ट ईयर मैंने टीवी में सुना था कि कोई मीडिया वाले बोल रहे थे कि ये जो बच्चे झंडे बेच रहे हैं, इनका भविष्य क्या होगा? तो मैं तो, मेरे दिल में एक टीस सी उठी और एक क्वेश्चन उठा कि गवर्नमेंट इतना कर रही है, हर किलोमीटर 2 किलोमीटर के बाद स्कूल खोल रही है, हम इन लोगों को खुद भी अवेयर होना चाहिए कि वो स्कूल जाएं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अवेयर नहीं हैं, तो हमें उनको, जैसे हमने ये स्कूल खोला है संघर्ष विद्या केंद्र नाम का स्कूल, 2009 में हमने खोला था। इससे पहले मैं एक बार यहाँ पे आई थी, 2004 से लेके मैं यहाँ पे आ रही हूँ, मैंने एक बार यहाँ पे कोई प्रोग्राम किया और एक कोई यंग पर्सन थे यहाँ पे, उनको मैंने बोला स्पीकर का थोड़ा वॉल्यूम ऑन ज़्यादा करना,
तो उससे मुझे ये आवाज़ आई, मैम कैसे ज़्यादा करना है। मैंने कहा यहाँ तो लिखा हुआ है वॉल्यूम हाई और लो। कहता मैं कोई पढ़ा नहीं हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मुझे उस दिन से इतना सी बात सुन के मेरे दिल में ये आया कि इतना वेल ड्रेस्ड ये आदमी है, इसको वॉल्यूम लो और हाई करने का नहीं। वही बात लेके मेरे दिल में ये बात हुई कि मैं एक ना एक दिन इन बच्चों को शिक्षित करूँ, कम से कम वो तो नहीं, इनके जो आगे बच्चे हैं उनको ये दिन ना देखना पड़े। तो सभी के सहयोग से, अकेले तो मैंने कुछ नहीं किया, पूरी मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड, हमारी पूरी फैमिली ने ये कदम उठाया। और आज जो मेरी टीचर्स हैं, मैं इनको श्रेय देती हूँ, इनके कारण ही हमारा स्कूल चल रहा है। बेटा आपका क्या नाम है? सर कुंता। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? सेकंड। अच्छा, आज आप क्या हमें सुनाओगे कुछ, कोई पोइम, कोई गाना 15 अगस्त पे? हाँ। जो भी आता है बोल दो, कोई भी कुछ भी आता है। विनती सुन लो है भगवान, पढ़ लिख कर हम बने महान, कभी न दुखों से घबराना, अपने पथ पे बढ़ते ज, हर धर्म का हो सम्मान, हमारा भारत रहे महान। आपका क्या नाम है बेटा? राजन। राजन, आप क्या सुनाओगे हमें 15 अगस्त पे? तीन रंग पे झंडा देखो लहर 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 घुमाए, पूछो जरा भारत हमारा देश, हम कोई बात नहीं। आपका क्या नाम है? हिना। हिना, आप क्या सुनाओगे हमें? सर पोइम सुनाओ बेटा। सर, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को हमेशा अपने दिल में बसाए रखना, जय हिंद जय भारत। आप क्या सुनाओगे बेटा? पोइम सुनाओ। तीन रंग का झंडा देखो लहर लहर लहराता, जिसे देख हर भारतवासी अपना शीश झुकाता, कभी न झुकने देंगे इसको हर बच्चा दोहराता। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। तो आपने सुना, ये आज हमने कोशिश की कि 15 अगस्त का जो दिन है वो इन बच्चों के साथ भी मनाएं जो कि पढ़ाई की तरफ जा रहे हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि आज इन हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा पढ़ाई की तरफ जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। चाहे स्लम्स में रहने वाले हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले हैं, लेकिन बच्चे पढ़ रहे हैं और आने वाले दिनों में ज़रूर भारत का एक अच्छा भविष्य बनेंगे। आप लोग देखते रहें जेके मीडिया, और आप लोगों को एक बार फिर से 72वें इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।